श्रीकांत नाम से राजकुमार राव की नई मूवी का ट्रेलर आ गया है। ये स्टोरी बेस्ड है श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जो विजुअली चैलेंज है, मतलब वो दुनिया को देख नहीं सकते, लेकिन वो 12th में 98% लाते हैं और टॉप मारते हैं। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कोई भी यूनिवर्सिटी विजुअली चैलेंज लोगों को साइंस ऑफर नहीं करती। मेरे कॉलेज में भी सेम चीज थी कि मैंने लोगों को आर्ट पढ़ते हुए देखा, मेरे कॉलेज में ऐसे लोग थे, लेकिन साइंस पढ़ते हुए मैंने कभी किसी को देखा नहीं था और इस बारे में मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था। और फिर धीरे धीरे ये जो ट्रेलर छोटी छोटी चीजें आपके सामने खोल के रखता है कि मेट्रो में वो येलो पट्टी क्यों होती है, लिफ्ट में हम जाते हैं तो वो जहाँ पे नंबर लिखा होता है वहीं पे डॉटेड कुछ लिखा होता है, वो हमारे और आपके लिए नहीं है, लेकिन जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर कैसे एक विजुअली चैलेंज व्यक्ति पूरे दुनिया की विजुअली चैलेंज लोगों की जो एक इमेज है हमारे और आपके दिमाग में, इनके साथ तो बुरा हुआ है, ये बेचारे हैं, ये सिर्फ भीख मांग सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, ये तो अपनी फैमिली पे बोझ होंगे, ये उन सबको गलत साबित करते हुए एक कंपनी खोलते हैं और उसमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मिलता है इन्हें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या विजनरी आदमी ये रहे। फिर धीरे धीरे ये कोशिश करते हैं कि जो भी विजुअली चैलेंज व्यक्ति है या और भी जो लोग हैं जो अपने दम पे सब कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे साथ में आके काम कर सकते हैं। तो ये ट्रेलर यही सब हमारे सामने रखता है और देखने में काफी इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है। मई में कभी रिलीज होगी, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ इस मूवी को देखने के।